सुबह के दस बज के पचास मिनट हो रहे हैं और मैं निकल गया हूँ अपनी रिहाइश से छोलस के लिए जो कि एक गांव है दादरी के पास अभी मैंने जस्ट शाहन बाग क्रॉस किया है और मैं कारंदी कुंज पर आ गया हूँ कारंदी कुंज मेट्रो स्टेशन आपने देखा होगा ये जो रोड है ये अक्सर इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जाम होता है अगर आप नोएडा से आपका आना जाना होता है तो आप ज़रूर समझ पा रहे होंगे अभी सुबह है तो काफ़ी ख़ाली मुझे रोड मिला है और इस वक्त ठंड भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में और हम चल रहे हैं अब इसी रोड पर जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तो ये जो रूट है यहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न कर लूँगा नीचे एक्सप्रेसवे के लिए तो ये आ गया है हमारा लेफ़्ट कट और मैं यहाँ से नीचे आ रहा हूँ अगर आप लोग एक्सप्रेस वे यूज़ करते होंगे तो ज़रूर आप मुझसे समझ पा रहे होंगे कि मैं किस लोकेशन में हूँ ये जो एक्सप्रेस वे है ये यह सीधा यहाँ से अगर आप चलते रहेंगे तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं परी चौक की तरफ निकल जाएगा ये वाला अगर आप फॉग में आते हैं तो ज़रूर ध्यान से इस रोड पर ड्राइव uh, करना क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस रोड पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि जब कुछ दिखता नहीं है तो लोग अक्सर जो है एक दूसरे में कार्स को हिट कर देते हैं बट आज तब भी इतना फॉग नहीं है काफ़ी ठीक है मुझे नीचे कमेंट में बताएं कौन कौन इस रूट से जाता है और कहां कहां जाता है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए काफ़ी टाइम बाद मैं जा रहा हूँ छोलस और मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दूँ कि बेसिकली वो गांव जो है वो मेरे मतलब मदर साइड से ए, मेरा वहाँ से ताल्लुक़ है और मैं जाता रहता हूँ और कोविड चल रहा है आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप सब मास्क ज़रूर पहने अब हम सीधे ग्रेटर नोएडा वाले रोड पर चल रहे हैं यही रोड है जो कि आगे आगरा अलीगढ़ के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं लेफ़्ट की तरफ तो जो लोग अलीगढ़ आगरा जाते हैं मथुरा जाते हैं तो उन्हें पता होगा कि यहाँ से आपको लेफ़्ट की तरफ टोल के थ्रो वे मिलता है या आप देख सकते हैं सामने बोर्ड भी आ गया है वेलकम टू ग्रेटर नोएडा तो हमने अब ग्रेटर नोएडा में प्रवेश कर लिया है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आगरा वगैरह जाना है तो आगे से जो लेफ़्ट साइड में कट आएगा टोल रोड आएगा वहाँ से आप आगरा अलीगढ़ के लिए भी निकल सकते हैं सामने आपको ये बोर्ड भी दिख जाएगा इस पर लिखा हुआ है अलीगढ़ आगरा मथुरा लेकिन मैं सीधे निकलूँगा टूवर्ड्स परी चौक ये लीजिए शारदा यूनिवर्सिटी का बोर्ड दिख गया है तो जो भी शारदा यूनिवर्सिटी वाले हैं वो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है इसका आपने ऐड तो सुना ही होगा कि द वर्ल्ड इज इस हेयर इसके ऊपर काफ़ी मीम्स और जोक्स भी बनते हैं तो बस आई एम अबाउट टू रीच परी चौक जो कि एक फेमस लैंडमार्क है जस्ट uh, हम आ गए हैं परी चौक एक चीज़ अच्छी लगती है मुझे कि यहाँ से गाड़ी भगाते रहो मक्खन की तरह और कोई मुश्किल नहीं होती अब यहाँ से मैं लेफ़्ट हो जाऊँगा ये जो है लैंडमार्क के परी चौक है और उधर आपको यहाँ ये मूर्ति अभी दिख जाएंगी परियों की बनी हुई तो यहाँ से लेफ़्ट मैं लूँगा पहले यहाँ से राइट में भी रास्ता था गोल चक्कर से लेकिन अब यहाँ बंद कर दिया है, तो अब हमें आगे जाना पड़ेगा और आगे से घूम कर आना पड़ता है तो यहाँ थोड़ा सा कंजेशन है तो यहाँ से मुझे गोल चक्कर जो है इससे टर्न लेना है टूवर्ड्स दी राइट तो आई एम मूविंग टूवर्ड्स दी राइट और एक रास्ता सीधे भी है ये जो जा रहा है ना तो जिस जगह मैं जा रहा हूँ जिस गांव में जा रहा हूँ मैं छोलस वहाँ का एक रास्ता के यहाँ सीधे से भी है तो लेकिन मैं उस रास्ते से नहीं जा रहा मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ तो बहुत से रोड्स हैं जाने के लिए बेसिकली गाँव के अंदर अंदर होकर भी आप जा सकते हैं और एक्सप्रेस वे का भी रास्ता है तो फिलहाल अब हम ये वाला रूट पकड़ रहे हैं तो मैंने वापस गोल चक्कर से टर्न लेके अब उसी रोड पर आ गया हूँ जहाँ से परी चौक से हमने टर्न लिया था तो ये देखिए राइट में परी चौक है और यहाँ से मैं सीधा सीधा चलता रहूँगा आगे आपको तो ग्रैंड वेनिस मॉल दिखेगा जो कि बड़ा खूबसूरत है जो कि बड़ा मतलब इटली के थीम में पूरा बनाया गया था तो ये भी काफ़ी रोड क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं आराम से आप अपने ड्राइव करते रहो लेकिन यार बहुत तेज़ मत चलाया करो बिकॉज स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स तो यहाँ से अब मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ अंदर के लिए और यहाँ से मैं अंदर ही अंदर रूट निकलूँगा तो ये वाला रोड भी काफ़ी क्लियर रहता है खाली रहता है ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी आपको और बेसिकली मैंने गलत रूट ले लिया था वो वाला और वहाँ से मैं घूमता घूमता आगे हूँ अब ईस्टर्न पेरेफेरल एक्सप्रेस से तो मैं इस रूट से नहीं जाता लेकिन आज मुझे आना पड़ा इस रूट से क्योंकि मैं गलत रास्ता भटक गया था आप देख सकते हैं सिकंदराबाद बुलंदशहर का लेफ़्ट में जो है बोर्ड भी लगा हुआ है तो अब यहाँ से मैं लेफ़्ट कट लूँगा टोल के लिए और यहाँ से मैं टोल दूंगा। यहाँ ज़्यादा टोल नहीं होता सिर्फ दस रुपये यहाँ का टोल होता है ये जो पूरा एक्सप्रेस वे है ये दस से बारह किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है तो मैं बेसिकली इस रास्ते से आता नहीं हूँ लेकिन आज आ गया क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा रास्ता भटक गया था वीलॉग बनाने के चक्कर में और अब ये लीजिए फाइनली टोल आ गया है तो इन्हें हम इनके दस रुपये दे कर यहाँ से निकल लेते हैं और ये लीजिए इन्होंने टोल भी खोल दिया अब यहाँ से मैं लेफ़्ट की तरफ जाऊँगा और मैं बाहर आ गया हूँ टोल से निकल के अभी जो जिस रोड पर हूँ ये रोड कहलाता है जीटी रोड तो अगर आप इसी रोड पर आगे चले जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट सामने टोल आएगा और यहीं से आपको लखनऊ कानपुर सारे जितने भी रास्ते हैं सब यहाँ से निकल रहे हैं इस रोड पर आपको सी पंप्स भी काफ़ी मिलेंगे पेट्रोल पंप्स भी मिल जाएंगे तो अगर आप सी वगैरह भी भरवाना चाहते हैं तो इस रोड पर आप लेफ़्ट साइड में कहीं से भी अपने सी को फिल करा सकते हैं ऐसा पहले नहीं था अब सी एन आपको मिलेंगी तो फाइनली छोलस आ गया है ये देख लीजिए बोर्ड भी लगा हुआ है साइड में और यहाँ से मैं लेफ़्ट मुड़ जाऊँगा इस गांव के लिए अगर आप लोग लखनऊ वगैरह जाना चाहते हैं तो सीधे सीधे निकल जाइए। बट मैं यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लेता हूँ तो ये मैंने लेफ़्ट टर्न ले लिया और अब अंदर हम आ गए हैं बिल्कुल गांव के एरिया में एक वक्त होता था कि ये जो रोड हैं ये अब तो अच्छा बना हुआ है एक वक्त ऐसा था कि यहाँ गड्ढे गड्ढे होते थे और जब मैं बचपन में आता था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ दिक्कत होती थी क्योंकि बस गाड़ी जो है वो हिलती ही रहती थी तो अब सही है वक्त के साथ डेवलपमेंट हो रहा है और काफ़ी अब गांव धीरे धीरे करके डेवलप होंगे तो चारों तरफ आप देख सकते हो तो बिल्कुल सिंपल रोड है आपको इधर खेत वगैरह मिल जाएंगे यहाँ बेसिकली अभी हम अंदर की तरफ आ गए हैं और ये जो एरिया है बिल्कुल जस्ट छोलस का स्टार्टिंग है यहाँ से गांव स्टार्ट हो जाएगा और ये जो जगह है इसे बोलते हैं हम छोड़ा थोड़ा अलग सा नाम लग रहा होगा आपको लेकिन कोई बात नहीं इसका यही नाम है यहाँ का आपको मिल्क केक ज़रूर खाना चाहिए यहाँ का मिल्क केक जो है बहुत ही मशहूर है और यहाँ लेफ़्ट साइड में ही दुकान है मिल्क केक वाले की चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं और यहाँ होटल भी खुल गया है तो अब मैं यहाँ से लेफ़्ट ले लूँगा बिल्कुल गांव के अंदर आ गया हूँ मैं जैसा एक गांव होता है रंग बिरंगे घर आपको दिख रहे हैं यहाँ और अब हम सीधे सीधे निकल जाएंगे अपने नाना के घर की ओर और, और बेसिकली आज यहाँ एक शादी भी है और मुझे मुझे वो अटेंड भी करनी है तो बस हम एंटर कर चुके हैं देखिए ये ही यूपी वाले अंदाज में सजा रखा है शादी वालों ने जिनकी यहाँ शादी है और बस ये मैं अंदर आ गया हूँ ये गांव के आप घर देख सकते हो पुराने अंदाज़ में बने हुए सामने से बोगी वाला आ गया था तो मुझे थोड़ा बैक करना पड़ा फिर दोबारा मैंने आगे लिया और सामने बिल्कुल जो घर है ये मेरे नाना के भाई का है डॉक्टर तकी हादी जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है और ये हम अंदर आ चुके हैं घर के अंदर ये हमारे ब्रदर हैंनवान कज़न ये छोलस के युवराज सिंह हैं बिल्कुल क्रिकेट की शौकीन और इन्हें क्रिकेट देखता हुआ मेरे अंदर का भी क्रिकेट का कीड़ा जाग चुका है और मैंने भी सोचा कि यार दो हाथ आजमा लिए जाएं बैट और बॉल के साथ अब हम जरा सैर के लिए निकल गए हैं गांव में ही और ये गलियों से होते हुए मैं अब ज़रा आपको गांव के आउटस्कर्ट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ तो जो गलियाँ हैं काफ़ी पतली हैं और अब हम बिल्कुल जो बाहर निकल रहे हैं इस जगह को हम बोलते हैं यहाँ चौक ये देखिए जो चौड़ा सा एरिया है इसे हम चौक बोलते हैं आप कहीं भी जाएंगे किसी भी जगह जाएंगे वहाँ आपको चौक ज़रूर मिलेगा चाहे आप दिल्ली के हों चाहे आप लखनऊ के हों ये हम आ गए हैं बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में और बिल्कुल यहाँ खेत वग़ैरह का एरिया मिलेगा ये उन हैं जो मेरा कज़न है इसे मैं ज़बरदस्ती ले आया हूँ कि भाई चल वी बनाना है और ये हैरान परेशान है ये यहाँ लोगों की भैंसें भी बंधी हुई है। हैं और यहाँ आपको काफ़ी ग्रेव्स मिल जाएंगे कब्र भी मिल जाएंगे लोगों के ये जो हरियाली आपको दिख रही है ये यहाँ का आउटस्कट्स कट्स का एरिया जैसे मैंने बताया था और मैं कुछ व्यू दिखा देता हूँ आपको इस जगह का तो बेसिकली आपको यहाँ कुछ ज़्यादा लोग देखने को नहीं मिलेंगे कभी कभी लोग आपको यहाँ खेलते हुए दिखते हैं मैंने लास्ट टाइम मैं आया था तो वॉलीबॉल खेल रहे थे छोलस के लड़के यहाँ हाय एवरीवन मैं हूँ बास और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ छोलस छोलस एक गांव है एक विलेज है जो कि दिल्ली से 50-55 किलोमीटर दूर है बेसिकली ये मेरा ननियाली गाँव है मेटरनल साइड से तो मैं यहाँ आता रहता हूँ और जो लोग दादरी या वहाँ के आस के रहने वाले हैं तो उन्हें पता होगा इस गांव के बारे में और अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको छोटे छोड़ छोटे गांव मिल जाएंगे यहाँ जैसे कि जारचा एक गांव है और अगर आप जी रोड पे देखेंगे एक जी टी रोड कहलाता है वहाँ से अंदर आते हैं आप तो आप छोलच की तरफ आते हैं अगर मैं आपको इस गाँव की हिस्ट्री बताऊँ तो बहुत साल पहले जो यहाँ के जो पॉपुलेशन स्टार्ट हुई थी वो कुछ इस तरह हुई थी कि जो यहाँ के एनसेस्टर्स थे वो ईरान से आए थे ईरान में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं सब्जवार और वहाँ से लोग इस गांव में आए थे और फिर धीरे धीरे करके आबादी बढ़ी थी तो कुछ कुछ लोग इस गांव के अपने नाम के आगे सब्जवारी भी लगाना पसंद करते हैं तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वही समझ पाते हैं गांव की अहमियत यहाँ की अगर आप आबो हवा देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ जो है नेचुरल आपको हवा देखने को मिलेगी अगर आप कंपैरिजन में दिल्ली वगैरह किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ आपको पोल्यूशन बहुत मिलेगा इवन अभी भी मुझे यहाँ ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है क्योंकि ये थोड़ा खुला खुला एरिया है इवन आप देख भी सकते हो ये पूरा यहाँ का व्यू है हम बेसिकली आउटस्कर्ट्स पे खड़े हैं इस गांव के और यहां लोगों के खेत वगैरह हैं यहां आपको लोगों के ग्रेवयार्ड भी दिख जाएंगे बाकी अगर मैं वेदर की बात करूं तो डेली के कंपेरिजन में यहां आपको ज्यादा ठंड है और ये देखिए पूरी हरियाली हरियाली आपको दिखेगी तो ये सब चीज़ें हमें शहर में कहाँ देखने को मिलती हैं पूरा आप अगर व्यू भी देख रहे होंगे तो कितना आपको खूबसूरत लग रहा होगा है बेसिकली यहाँ थोड़ी फॉग है जो कि दिल्ली में कम थी क्योंकि मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ तो मैंने देखा बाकी पीछे आप देखेंगे तो लोग अपने यहाँ उपले वगैरह उनके रखे हुए हैं बेसिकली जो फ्यूल की तरह काम करते हैं तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये सारे ग्रेव्स हैं और बेसिकली ये हमारा मतलब ये जो खेत का एरिया है ये ग्रेव के लिए रखा गया है और ये एक कब्र है दिखा देता हूँ ये मेरे किसी मिटर्नल साइड से रिलेटिव की ही है इंसेस्टर्स की आई थिंक उर्दू में लिखा हुआ है इसके ऊपर रबाब बानो बिनते अली अहसन लिखा है तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी आई थिंक ये पुरानी है और मुझे इतने अच्छे से उर्दू तो नहीं आती लेकिन तब भी मैंने आपको थोड़ा यहाँ का व्यू दिखा दिया तो चलिए अब हम आ गए खादी मंजिल जो कि मेरे पर नाना के टाइम का बना हुआ है और वही पुराने दरवाज़े इस पर आप देख सकते हैं पता है ज़माना बदल गया है लेकिन अभी भी जैसे हमने दरवाज़ा देखा वो एक पुराना दरवाज़ा भी एक अलग ही लुक दे रहा है इसे और अंदर आप देख सकते हैं ये फिश फार्मिंग चल रही है और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा घर है ये, यहाँ का व्यू आपको पसंद आएगा इसके अंदर मछलियाँ आपको दिखने को मिल जाएंगी उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आया हो अगर आपको वीलॉग पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।